आप देख रहे हैं बिटवीन इज बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय। मिथिलांचल की पावन धरती और राष्ट्र कवि दिनकर की पावन धरती बेगूसराय जिले के पछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत अभी हम मौजूद हैं अरवा पंचायत, जहां बिहार दरोगा परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों का सम्मान समारोह चल रहा था। बीते कुछ दिन पूर्व बिहार परीक्षा में भीखमचक पंचायत और अरवा पंचायत के अभ्यर्थी सफल हुए थे। हम उन अभ्यर्थियों से बात करेंगे और मैं फिर से आपको बता दूं कि बीते वर्ष यानी 2020 में बिहार ही नहीं पूरा विश्व संक्रमण महामारी कोरोना वायरस से गुजर रहा था और 2020 से लेकर अभी तक पढ़ाई जो है बिल्कुल बाधित चल रही थी, लेकिन फिर भी बाधित पढ़ाई के बीच अभ्यर्थियों ने दिन रात कड़ी मेहनत कर इस मुकाम तक हासिल किया। तो मैं उन अभ्यर्थियों से बात करूंगा और उनसे जानना चाहूंगा कि अभी तक और इस सफर तक पहुंचने में आपको कितना वक्त लगा और इन सफलता के मुकाम तक पहुंचने में आपने जो मेहनत की वह मेहनत कितना असर लाया। साथ मौजूद है मोनी कुमारी। जैसा कि जब पिताजी का देहांत हुआ और उसके बाद जब आपकी सरकार से पिताजी का साया हटा, तो फिर उसके बाद आपने कितनी मेहनत की और इस मुकाम तक पहुंचने में आपको सबसे ज्यादा सहयोग किनका मिला? बहुत सारी सफलता के कारण आज सफलता हासिल हुई है। इसमें मेरी माँ का बहुत प्यार रोल अच्छी है। कभी ऐसा नहीं लगा कि पिता नहीं, माता पिता दोनों बन के उन्होंने साथ दिया और कड़ी मेहनत के बाद मैं आज दरोगा बन गई हूँ और आप लोग से आशीर्वाद चाहती हूँ कि डीएसपी और एसपी भी बन के देखा, मेरी पूरी कोशिश है। तो आपका अगला उद्देश्य कुछ और? जी, अगला उद्देश्य मेरा बीपीएससी क्वालिफाई करना है। तो एक तो बीच में 2020 और 21 में भयावह आपदा थी और उस आपदा से कई लोगों को गुजरना पड़ा और अभी भी वो आपदा खत्म नहीं हुई। उन आपदाओं के बीच भी आपने अपनी शिक्षा दीक्षा कैसे ली? कोरोना वायरस जब से आया तभी से ये जॉब का प्रोसेस मेरा चल रहा है। 19 में वैकेंसी आई थी, 20 प्रोसेस चला और 21 में कोरोना वायरस में बहुत सारी चीजें बाधित थी। होता रहेगा, तो इस मेहनत को लेकर आप लोगों के बीच अपने साथियों के बीच क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश इतना ही देना चाहेंगे, धैर्य और सहनशीलता के साथ आप मेहनत करें, जरूर सफल होंगे। तो यही कहना चाहेंगे कि हमें भी इससे पहले काफ़ी असफलताएँ मिली थी, तो मैं टूटा नहीं था और आगे मैंने अपनी तैयारी को जारी रखा। मेरे साथी हैं जो इस बार दरोगा में छट गए थे, उनका क्लियर नहीं हो पाया, तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वो डटे रहें और आगे कंटिन्यू पढ़ते रहें, उनको भी सफलता जरूर मिले। जैसा कि इन तरह तैयारियों को करने में आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? तैयारी में मुझे सबसे ज़्यादा जो है फिजिकल के दौरान प्रॉब्लम आया था, क्योंकि मैं फिजिकल बैकग्राउंड का नहीं था, कभी दौड़ा उड़ा नहीं था, तो उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो आपका यही लास्ट उद्देश्य है या इससे आगे भी कोई उद्देश्य है? मेरा अभी PSC 66 में प्री क्लियर हुआ है, अभी मैं मेंस का तैयारी कर रहा हूँ, आगे मैं चाहूँगा कि BPSC में कोई अधिकारी पोस्ट हो जाए। तो हमारे साथ मौजूद थे संजीव कुमार, जिनकी बातों को आपने सुना और कहीं ना कहीं कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए आपने आज आकर हमारे जिला के और उसके बाद पूरे राष्ट्र के, अभी जो बात चल रही थी, हमारे जसपाल जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, मन संचालन कर रहे जिला से आके पदाधिकारीगण, माननीय मुखिया जी, जिन्होंने इस बच्चे ने ऐसा करके दिखाया मुझको, इसलिए आप भी मुझे सम्मान देने के लिए आए हैं। इसलिए मैं अपने ओर से, अपने परिवार की ओर से और पंचायत की ओर से आप तमाम आदमी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आप ऐसे लोगों इसी तरह बिहार में चलकर जो भी दलित पिछड़ा असामाजिक लोग नहीं, जो भी लोग का बच्चा चाहे जिस वर्ग का बच्चा है, आज हमारे जिस तरह के गाँव को ऊँचा करने का काम किया है, प्रखंड को ऊँचा करने का काम किया,
आप अगर इसको बिहार लेवल से लेकर राष्ट्र लेवल तक अगर इस योजना को लेकर प्रतिबंध होकर जिस तरह से आप लोग अभी चल रहे हैं ऐसे चलते रहेंगे, आगे भी हमारा समाज इसी तरह से करते रहेगा। इसी चंद शब्दों के साथ आप सबको पुनः मुबारकबाद देते हुए मैं अपने बच्चे को और बच्ची को पुनः इसलिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने इस तरह का